खबर जालौन उत्तर प्रदेश से है। एसडीएम मंगले के पास ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, विद्युत विभाग के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप। कहा कि 15 दिन से विद्युत सप्लाई न आने की वजह से बच्चों का हो रहा भविष्य खराब। बता दें कि वहीं बच्चों को पढ़ने लिखने में हो आ रही परेशानियां। गांव बरिया में 15 दिन से विद्युत सप्लाई नहीं आ रही, आधे गांव में लाइट चल रही है। आधे गांव का ट्रांसफार्मर कई दिन से फूका पड़ा है, जिसकी सूचना ऑनलाइन कई बार अवगत करवाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जिसको लेकर आज सुबह ग्रामीणों ने एसडीएम मंगले के बाद विद्युत विभाग के खिलाफ ही नारेबाजी किया। जिसको लेकर एसडीएम अंगद यादव ने एसडीओ माधवगढ़ को फोन लगाकर निर्देशित किया। इस मौके पर एसडीओ के कर्मचारी पहुंचे और ग्रामीणों को संतुष्ट कर भेजा घर। एक दिन की मोहलत मांग शिकायत पत्र लिया, जिसे ग्रामीण संतुष्ट दिखे, गांव वापस चले गए। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए डॉक्टर विनोद कुशवाहा, जालौन उत्तर प्रदेश।